अतीक अहमद मामले में बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ से पुलिस ने मोहम्मद मुस्लिम को गिरफ्तार किया है। बता दें कि असद और मोहम्मद मुस्लिम का लेन देन का लेकर जो ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद की व्हाट्सएप चैट के साथ ही दो ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए हैं। ऑडियो अतीक के बेटे असद और बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के बीच फोन पर हुई बातचीत के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। दोनों ऑडियो में आवाज असद और मुस्लिम की ही है। फिलहाल पुलिस ऑडियो की जांच कर रही है। हेलो, बोल गए थे, ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल, तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा, वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे, तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो क्या हो गया कचहरी में। कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर, या जेल चलिए हमारे साथ। जेल वेल हम ना जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप। तो मुलाकात कर लिया जाता है तो कैसे हो, पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप, जेल पेशी पे ना बुलाओ हमको, पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं हम कचहरी उचरी ज्यादा, तो फिर कैसे मुलाकात होगी। मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं नहीं, उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो, अच्छा हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचेरी बहुत कम जाते हैं ना, एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। वही बात है ना कि एक एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मतलब समझे नहीं उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं। नहीं, अभी तुमने जो जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। और कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। नहीं सुन तो लो हमारी बात, और अगर कोई मसला मसाला हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाला है कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि कारोबार भाई, हम भी देखते हैं गाड़ी आपके। नहीं हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं किस कौन मिलने आता है किससे मिलने आता है। आज तो आए थे मुलाकात करके फिर चले गए किसी के साथ, बस वही बात है। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं, हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, देखिए जो अभी ऑडियो लीक हो रहा है, प्राइम टीवी तो उसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से अतीक का बेटा असद और बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्लिम जो है, दोनों की बातचीत हो रही है। देखिए जिस तरीके से ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, ऑडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये ऑडियो एक जो है बिल्डर का है, क्योंकि उस बिल्डर में पैसों के लेन देन की बात हो रही है, और इसके साथ ही पेशी पर जो आने की बात कही जा रही है, पेशी के दौरान मिलने की बात कही जा रही है, तो इसको लेकर के जिस तरीके से अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं, क्योंकि जो असद का ऑडियो बताया जा रहा है, फिलहाल असद वो एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा जा चुका है, लेकिन अभी इस ऑडियो को लेकर के जिस तरीके से पुष्टि की बात की जाए तो अभी इस मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है तो साफ कहा जा रहा है कि इसमें जो बिल्डर की बात है उसको लेकर के भी उससे भी पूछताछ होगी कि आखिर ये इस ऑडियो की सच्चाई है और इस ऑडियो के पीछे राज क्या। फिलहाल क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग की बात की जाए या ऑडियो व्हाट्सएप चैट की बात की जाए, इस तरीके के इंटरनेट पर कई चीजें वायरल हुई है, जिसके बाद अधिकारियों ने इस मामले का संज्ञान भी लिया, क्योंकि जो अतीक की बात की जाए, अतीक की जो प्रॉपर्टी की बात किया उसको लेकर के भी जिस तरीके से ईडी भी पूछताछ कर रही थी, लेकिन फिलहाल अब अतीक का अंत हो चुका है, लेकिन जो जांच है जांच अभी भी चालू है। फिलहाल ये ऑडियो जिस तरीके सामने आई है तो इसके बाद जांच और तेज हो गई है। फिलहाल जिस बिल्डर के ऑडियो बताई जा रही है उसको लेकर के भी अब शिकंजा कसने की बात हो रही है। फिलहाल इसमें मामले में कहा जा रहा है कि अभी और तेज जाँच होगी, और जो ऑडियो में जिस बिल्डर का नाम है उससे को भी